हेलो गाइस, आप देख रहे हैं नूर इंस्टीट्यूट। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं यूनिट टू, थर्ड सेमेस्टर का पॉलिटिकल साइंस का यूनिट टू, तुलनात्मक शासन, सत्यवादी और लोकतांत्रिक। यूनिट वन हमारा हो चुका है, मैं पढ़ा चुकी हूँ थर्ड सेमेस्टर का यूनिट वन, आप देख लेना। आज हम देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं यूनिट टू, तुलनात्मक शासन, सत्यवादी और लोकतांत्रिक। शासन की प्रकृति को समझने के लिए न केवल एक शासन के मापदंडों की बदलती हुई प्रकृति की विशेषता के कारण को समझना, बल्कि कई और घटकों की उपस्थिति के कारण को भी समझना एक बड़ी चुनौती रही है। मतलब कि उसमें जो जो बदलाव आए हैं, जो जो कारण हैं बदलाव के, वो भी समझने चाहिए। फिर भी शासन की प्रकृति को समझना महत्वपूर्ण है। अब उसकी प्रकृति को समझना कैसे महत्वपूर्ण है वो देखिए, क्योंकि इस बात को समझने में मार्गदर्शन प्रदान करता है कि किस प्रकार से सरकार कार्य करती है एवं उत्तम शासन की सुविधा को प्रदान करती है। मतलब ये सरकार कार्य कैसे कर रही है और हमें उत्तम शासन कैसे दे रही है और किस प्रकार से मानवाधिकारों को सुनिश्चित करती है। राज्य को एक निश्चित भूभाग, संप्रभुता और सरकार के साथ एक संगठित राजनीतिक समुदाय के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जबकि सरकार वह एजेंसी है जो कि राज्य की ओर से कार्य करती है। देखो, हम राज्य को तो एक भूभाग के और संप्रभुता के रूप में प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन जो हमारी सरकार है ना, वो एक ऐसी एजेंसी बन गई है जो हमारे राज्य की ओर भी कार्य करती है, जो हमारे राज्य के लिए कार्य करती है। राजनीतिक शासन को राज्य व सरकारी भूमिकाओं और प्रक्रियाओं की औपचारिक तथा अनौपचारिक संरचना के रूप में परिभावित किया जा सकता है। राजनीतिक शासन की प्रकृति का अध्ययन, चुनौती एवं उद्देश्य, अब हम ये पढ़ेंगे। चौथी शताब्दी ईस्वी पूर्व में प्लेटो और अरिस्टोटल जैसे विचारकों ने शासन के अध्ययन की परंपरा में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। आधुनिक राज्य और वेस्टफेलियन राज्य के उदय ने कई बदलाव पेश किए कि हम एक आधुनिक राज्य को किस प्रकार से देखते हैं। उदार लोकतांत्रिक राज्यों का उद्देश्य, संविधान और अभिव्यक्ति एवं भाषण की स्वतंत्रता, राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों की विस्तृत श्रेणी जैसे कारकों ने बहुत कुछ किया है। इसने एक देश की शासन की प्रकृति को आकार प्रदान किए हैं। मतलब कि हमारा जो देश है वो हमारे शासन से ही चलता है, तो उसने आकार यानी कि आकार प्रदान किया है। अब है वर्गीकरण का आधार। अब वर्गीकरण का आधार क्या है वो देखिए। शासन की प्रकृति को समझने के लिए जिन दो मुख्य कारकों का उपयोग किया जाता है वह है शासन करने वाले लोगों की संख्या जो कि शासन कर रहे हैं, और दूसरा है शासक निकाय शास्त्रियों पर सत्ता का प्रयोग किस प्रकार करता है, यानी कि उनकी संख्या कितनी है और वो किस प्रकार सत्ता के प्रयोग करते हैं। दूसरे मापदंड के मामले में शक्ति ही वर्गीकरण का एक प्रमुख आधार रही है। जो हमारा मापदंड है दूसरा, उसमें क्या रही है, शक्ति ही वर्गीकरण का एक प्रमुख आधार रही है कि शक्ति कितनी है, तथा इन संबंधों की प्रकृति की जांच करने के लिए एक मापदंड होता है जो कि राज्य के राजनीतिक संस्थानों में संबंधित हो सकता है। ये केंद्र एवं इकाइयों के बीच की के साझा संबंधों की प्रकृति को निर्धारित करती है कि राज्य एकात्मक है या संघीय है या नहीं। इसके अलावा इसमें शासन को कार्यपालिका और विधायिका के बीच संबंधों के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। इसलिए सरकार संसदीय या अध्यक्षीय रूप हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, संख्या के आधार पर शासन किस तरह के वर्गीकरण किया जा सकता है। अभी हमने ऊपर पढ़ा ना संख्या के आधार पर, तो अब उसे हम डेफिनेशन में पढ़ेंगे कैसे, आप देखिए। ये हमारा शासन के प्रकार, जो हमारी इस साइड आ रही है वो क्या है, हमारे शासन के प्रकार हैं, और शासन करने वालों की संख्या और शासन की प्रकृति क्या है जो इस साइड है वो है। अब देखिए, राजशाही ये एक व्यक्ति का नियम है। इस प्रकार के शासन में राज्य ही राज्यों के मुखिया होते हैं। मतलब कि एक व्यक्ति का नियम होता है राजशाही जो होता है वो, उसमें शासन में राजा ही राज्य के मुखिया होता है। जैसे कि एक शासन है, उसको कोई एक राजा बना हुआ है तो वो मुखिया भी वही है। ऐसे शासनों को प्रकृति संवैधानिक प्रतीकात्मक से लेकर पूर्ण राजशाही तक भिन्न हो सकती है। उदाहरण के तौर पर, अब उदाहरण देखिए इसका, नेपाल, जॉर्डन व मध्ययुगीन यूरोपीय ब्रिटेन इसमें शामिल हो सकते हैं। अब है तानाशाही, हमने राजशाही पढ़ा है, अब है तानाशाही।
एक उदाहरण पूर्वक हिटलर के अधीन जर्मनी और मुसोलिनी के अधीन इटली है वर्तमान समय में। ये एक उदाहरण दे रखा है तानाशाही का। अब हमारा कुलीन तंत्र। कुलीन तंत्र क्या है? कुछ लोगों द्वारा किया जाने वाला शासन, मतलब कि जो उसमें बहुत थोड़े से लोग शासन करते हैं, प्राय धनी वर्ग द्वारा। जो धनी वर्ग होते हैं, जिनके पास पैसा ज़्यादा होता है, वो जो लोग शासन करते हैं उसको बोलते हैं कुलीन तंत्र। ये एक प्रकार का नियम है। क्या ये एक नियम है? जहाँ एक विशिष्ट वर्ग के लोग शासन के कई पहलुओं पर शासन करते हैं, उदाहरण पूर्वक रंग भेदी शासन के तहत दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, अब है हमारा अभिजातंत्र। अभिजातंत्र कुछ लोग द्वारा किया गया शासन। इसमें विशिष्ट छोटे शासक वर्ग द्वारा शासन की बागडोर संभाली जाती है। कुलीन तंत्र में कौन होते हैं? जो अमीर होते हैं, धनी होते हैं। और अभिजातंत्र में कौन होते हैं? जो छोटे होते हैं, जिनके पास पैसे कम होते हैं। ऐसे शासन व्यवस्था का उदाहरण प्राचीन ग्रीस हो सकता है। लोकतंत्र जन सहमति द्वारा किया जाने वाला शासन, यानी कि बहुत सारे लोग जो मिलकर शासन करते हैं। लोकतंत्र के उदाहरण के अंतर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका एवं भारत जैसे देश, भारत में सभी लोग से मिलजुल कर बात कर हमारा लोकतंत्र बनता है। तो इसीलिए इसका उदाहरण है संयुक्त राज्य अमेरिका है और भारत। सरकार द्वारा सत्ता के आधार पर शासनों का वर्गीकरण कर सकते हैं, जिस प्रकार से निम्नलिखित रूप में बताया गया है। अब है हमारा शासन का प्रकार। ऊपर ये ऊपर वाला क्या था गाइस? देखो, ये था शासन करने वाले की संख्या। ये संख्या पर वर्गीकरण का प्रकृति थी, लेकिन अब हम क्या पढ़ेंगे? शक्ति व उसके निष्पादन से संबंधी शासन के प्रकार की। अब है हमारा फर्स्ट पॉइंट इसमें अधिनायकवादी। अधिनायकवादी जीवन और शासन के समस्त पहलुओं द्वारा पूर्ण नियंत्रण का होना। उदाहरण स्वरूप सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ, ग्रेटर, ठीक है, ग्रेटर जर्मन रीच। नेक्स्ट पॉइंट है निरंकुश। निरंकुश में क्या है? ऐसा शासन भी वह बहुत नियमित होता है, हालांकि ये एक अधिनायकवादी शासन की अपेक्षा कम नियंत्रित है, मतलब इसमें नियंत्रण कम है। अधिनायकवादी शासन की अपेक्षा नियंत्रण कम है इसमें। नेपोलियन बोनामार्ट के अंतर्गत फ्रांसीसी साम्राज्य, पिनोशो के अंतर्गत चिली। अब हमारा सत्तावादी। ऐसा शासन भी बहुत नियमित होता है, हालांकि ये एक अधिनायकवादी शासन के कम नियंत्रण होता है, उदाहरण पूर्वक चीन, जॉर्डन एंड तुर्की। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा संवैधानिक। संवैधानिक में क्या है? ऐसे शासन व्यवस्थाओं के अंतर्गत द्वारा राज्य द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्ति की मात्रा संविधान में निर्धारित नियमों द्वारा नियमित की जाती है, एवं शक्ति के किसी भी दुरुपयोग को जांच और संतुलन की प्रणाली द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। अब हमारा लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक में क्या है? ऐसी व्यवस्था में सत्ता का स्रोत जनता के पास होता है। किसके पास होता है? जनता के पास होता है। लोकतांत्रिक में किसके पास होता है? जनता के पास होता है। जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जनता की ओर से सत्ता का प्रयोग करने के लिए उत्तरदायी होते हैं, मतलब कि वो जो जनता चुनती है वो ना उन्हीं का प्रतिनिधि बनते हैं। लोकतंत्र प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में हो सकता है। लोकतंत्र के कितने रूप होते हैं? दो होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। अब है हमारा लोक लुभाववाद। इस आंदोलन के राजनीति आंदोलन शासन लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व करने का दावा करते हैं और अभिजात वर्ग के विरोध का प्रदर्शन करते हैं। इस शासन करने वाले लोगों की संख्या और सत्ता के साथ उसके संबोधनों के आधार पर विभिन्न प्रकार के मौजूदा शासनों को समझने के पश्चात ही विशेष रूप से लोकतांत्रिक, सत्तावादी, अधिनायकवादी और लोक लुभावन शासनों की प्रकृति निम्नलिखित आधार पर स्पष्ट की जा सकती है। अब हमारा राजनीतिक सत्तावादी शासन। अब सत्तावादी शासन कैसे हो? सुनिए, सत्तावाद को मानव इतिहास में सबसे आम प्रकार की सरकार में से एक माना जाता है। ये राजनीतिक तानाशाही के रूपों में एक है, लेकिन इसकी विशेषताओं में लोकतंत्र और अधिनायकवाद के बीच स्थित है। ठीक है, अब लोगों के मन में सत्तावादी राजनीतिक शासन अक्सर दूसरों के साथ भ्रमित होता है। एक अधिनायकवादी शासन है और दूसरा और
सत्ता के दोनों रूपों में प्रति एवं तीन नकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न होता है, लेकिन वे एक दूसरे से काफी भिन्न है। अधिनायकवादी समाज के जीवन के सभी क्षेत्रों पर राज्य की पूर्ण नियंत्रण को माना जाता है, जबकि सत्तावाद केवल राजनीतिक क्षेत्र को नियमित करने का दावा करता है, और ये सिर्फ अंतरों में एक है। ये समझने के लिए कि एक सत्यवादी शासन का क्या होता है, इस पर अधिक विस्तृत में विचार करना आवश्यक है। अब हमारे शब्द की परिभाषा डेफिनेशन बताइए, किसकी बताइए डेफिनेशन, अधिनायकवादी की और सत्तावादी की। अब देखिए, अधिनायकवादी एक प्रकार का राजनीतिक शासन है जिससे सत्ता लोगों के पास नहीं होती। इसकी सत्ता किसके पास होती है, लोगों के पास नहीं होती है, बल्कि एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह, पार्टी या वर्ग के पास होती है, मतलब कि ग्रुप्स के पास होती है। किसकी ग्रुप, मतलब जो अधिनायकवादी होती है उसकी सत्ता किसके पास होती है, ग्रुप्स के पास होती है। नीति के लिए महत्वपूर्ण निर्णय जनसंख्या की भागीदारी के बिना किए जाते हैं, या ये भागीदारी कम से कम होती है। लोगों को अधिकारियों के प्रति अपनी वफादारी व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं है, और राय और निर्णय की एक निश्चित स्वतंत्रता उनके पास रहती है। हालांकि ऐसी स्वतंत्रता की रूपरेखा अधिकारियों के प्रतिनिधियों द्वारा स्थापित और नियंत्रित की जाती है, जहां एक राजनीतिक प्रतिनिधियों का सवाल है, सत्तावादी उनके प्रतिनिधि है। अब हमारा प्रमुख सत्तावादी शासन वाले देशों के उदाहरण कौन कौन से है, सत्यवादी देश, ये इम्पॉर्टेंट है, ये आपको एग्जाम में जरूर लिखना होगा। सत्यवादी देशों के नाम आएंगे भी लिखने। अब हमारे सत्यवादी शासन के कौन कौन से देश हैं, उदाहरण के तौर पर ये देखिए, उत्तर कोरिया, सऊदी अरब, चीन, ईरान, सीरिया और आर्मेनिया आदि, ये कौन कौन से सत्यवादी, जहाँ पर सत्यवादी शासन चल रहा है वो देश के नाम बताएं। कौन कौन से राइट, दोबारा देखिए, उत्तर कोरिया है, सऊदी अरब है, चीन है, ईरान है, सीरिया है और आर्मेनिया, और भी हैं लेकिन इसमें सिर्फ जो इम्पोर्टेंट है उनके नाम दिए गए हैं। अब है हमारा निष्कर्ष, इस चैप्टर में निष्कर्ष भी निकला है तो मैंने वो भी लिखा है, आप वो देखिए निष्कर्ष क्या है। अंत में हमें ये समझने की आवश्यकता है कि शासन के प्रकारों के वर्गीकरण का कोई ठोस तरीका नहीं है। राजनीतिक विज्ञानों ने शासक और शासित के बीच संबंधों की प्रकृति, नागरिक और राजनीतिक स्वतंत्रता तथा सरकार के विभिन्न अंगों के बीच के संबंधों के आधार पर शासनों का वर्गीकरण किया है, मतलब कि जो उसके संबंध बने हैं उसके तौर पर वर्गीकरण किया है। इसके द्वारा हमने ये समझने का प्रयास किया है कि राजनीतिक शासनों को शासन करने वाले लोगों की संख्या के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे कि राजशाही। अब किस किस के आधार पर वर्गीकरण किया जा सकता है वो देखिए, राजशाही, तानाशाही, अभिजातवर्ग, कलीनतंत्र से लोकतंत्र, ठीक है। हमने सत्यवादी, अधिनायकवादी, लोकतांत्रिक और लोकप्रभाव शासनों की विशेषताओं पर भी चर्चा की। इन सभी पहलुओं में से सबसे महत्वपूर्ण पहलू अधिनायकवादी एवं सत्यवादी शासनों के बीच का सूक्ष्म अंतर है, जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए। हालांकि इन दोनों में समान विशेषताएं भी हो सकती हैं, अब विशेषताएं भी हैं इसमें, ठीक है। इस अब हमारा वी उपनिष्करण की प्रक्रिया के साथ ही एक विशेष रूप से शीतयुद्ध के बाद कई व्योपनिष्करण की प्रक्रिया के साथ ही विशेष रूप से शीतयुद्ध के बाद कई एशियाई और अफ्रीका देशों में जटिल परिवर्तन की शुरुआत हुई। कौन कौन से देशों में शुरुआत हुई और किसकी शुरुआत हुई ये देखिए, एशियाई अफ्रीका में जटिल परिवर्तन की शुरुआत हुई। इसलिए इस वर्गीकरण में नए प्रक्रिया द्वारा विश्व भर की विभिन्न राजनीतिक प्रणालियों के संदर्भ में अधिक सार्थक अध्ययन की आवश्यकता बन गई है। गाइस, ये हमारा यूनिट 2 आज कंप्लीट हुआ है, थर्ड सेमेस्टर का यूनिट 2। ओके, थैंक यू।